सुनी महेश परम सुख मानी। महेश ने कथा सुनी, ऊपर बैठाया, ऊपर बैठो हम नीचे बैठेंगे। आपको कथा सुनने ऊपर नीचे से क्या लेना देना, मैं ऊपर बैठ के कथा सुनाऊंगा आपको, आप महादेव हैं। इतना तो बोध मुझे है कि जिससे बोध होता है वो सामने आया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, आप मेरे गुरु हैं। अब गुरु बैठेगा नीचे, मैं बैठूंगा ऊपर, गुरु नीचे कैसे बैठ सकता है। वैसे भी गुरु संस्कृत भाषा में भारी को और बड़े को कहते हैं, जो बड़ा है किसी भी तरह से उसी को गुरु कहते हैं। जैसे माँ बड़ी है तो मातृ गुरु है, पिता बड़े हैं तो पिता गुरु है। कुछ देर के लिए उत्सव पुरुष भी बड़ा होता है, कोई एक बार के लिए दूल्हा सा ही बड़ा सा दिखता है, सब पैदल चल रहे हैं, महाराज घोड़े पे हैं, उत्सव पुरुष है भाई, थोड़ी देर के लिए उसे बड़ा किया गया है, इसलिए मंचस्थ है, उच्चस्थ है। थोड़ी देर के लिए सुपारी को गणेश बनाया गया है, सुपारी कहती है कुछ बना दो मुझे, तो भाई आप क्या चाहते हैं वैसा बना दीजिए ना, मैं तैयार हूं। इया गच्छ इया तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव, ओम गणानांत्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियानांत्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधिनांत्वा निधिपति गुं हवामहे। वसो मम, मेरे अंतःकरण में आइए, धन धान्य समृद्धि शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि तुष्टि पुष्टि लेकर ये पूरे कुटुंब कबीले के साथ मेरे भीतर आ। गणेश को कहा गया अकेले मत आना, रिद्धि सिद्धि आए, तुष्टि पुष्टि आए, शुभ लाभ आए, आमोद विनोद प्रमोद भी आए। घर में पैसा तो आ गया, विनोद नहीं है, आमोद और प्रमोद नहीं है, उत्सव नहीं है, परस्पर प्रीति एकता मैत्री नहीं है, एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया है, पैसा आ गया है, ये क्या है भाई आपके घर में। इतनी समृद्धि आई है, कमाल है, बहुत बड़े हो गए, बोलना छोड़ दिया एक दूसरे से, अच्छी तरक्की की है, तो क्या आना चाहिए। वसो मम, मुझ में बसिए, मेरे घर आइए। इया गच्छ इह तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। अब सुपारी की पूजा कर रहे हैं कि गणेश की, हम तो गणेश को बुला रहे हैं, हम तो कलश में जल रखा है, देवताओं को बुला रहे हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाशतः, कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु का ध्यान किया जाता है, कंठे रुद्र नीचे ब्रह्मा का, सप्त सरोवरों का, भोर में यही करो। भोर में उठते ही घर की कुमारियां तरुणियां किशोरियां युवतियां प्रौढ़ाएं वृद्धाएं उठें, स्नान करके रंगोली बनाएं, अल्पना कीजिए, दीपदान कीजिए, भूमि का सम्मान कीजिए, आह्वान कीजिए, हमारे घर में समृद्धि आए, धन धान्य आए, अग्नि का पूजन करो। भोर में जो अन्न बनाया है उसे निवेदन करो, प्रतिवेदन करो, उसे प्रसाद बनाइए, तुलसी दल डालकर भगवान को समर्पित करो, अग्निहोत्र कीजिए, प्रतिदिन अग्नि का आह्वान करो, अग्नि मिले पुरोहितम। हमने अग्नि की पूजा छोड़ दी, गौ ग्रास निकालना बंद कर दिया, देवगणों का भाग छोड़ दिया हमने, भूमि पूजन कब का बंद किए बैठे हैं, किसी को याद तक नहीं कि भोर में पहले हर भारतीय को भूमि की पूजा करनी चाहिए। भो भारा अवताराय, घर के सारे भार उतारने के लिए भगवान हमारे घर आए। भूमि तेरा परिचय परमात्मा से है, तू भूदेवी है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, तू विष्णु पत्नी है। परमात्मा से कहे, देवताओं से बोलो हमारे घर आए, कपाट खुलें, अग्नि का पूजन होना चाहिए, दीपदान हो, रंगोली हो, अल्पना हो, ये पहले होता रहा है, भोर में उनका ध्यान किया जाता रहा है। इसलिए अपने गुरु को ऊपर बिठाकर वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, ऊपर बैठिए, मैं नीचे बैठ के कथा सुनाऊंगा। तो पार्वती सती कहने लगी कि ये क्या कथा सुनाएगा, हमें ऊपर बिठा दिया, ये नीचे बैठा है, आंखों में अश्रु हैं, रोम रोम में रोमांच है, बार बार ये पुलकित हर्षित होकर
भावुक होकर न जाने कौन से प्रसंग ले बैठता है, क्या कथा सुनाएगा। सुनी महेश परम सुखमन। कथा में यह भी एक बात है, आदर रखना होगा आपको कथा के प्रति, प्रसंगों के प्रति, ग्रंथ के प्रति, मंत्र के प्रति, परंपरा मूल्यों के प्रति और वक्ता के प्रति भी आदर रहना चाहिए। शास्त्रों में भगवान का नाम है सच्चिदानंद। जीवन की जय विजय, अलौकिक पारलौकिक अनुकूलताएं, सिद्धि प्रसिद्धि प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य विभूति विद्या, सब जिससे प्राप्त होता है वह सत्य है। सत्य एक बड़ा साधन है। सत्य की परिणति जय है, विजय है। हम यहां विजयी होना चाहते हैं, हम पराजित नहीं होना चाहते। हमारे सारे उद्यम, चेष्टाएं, पुरुषार्थ, श्रम और साधन अर्थहीन है अगर हमारे पास सत्य नहीं है। इहलोक और परलोक में जो हमें प्रतिष्ठित करता है वह सत्य ही है, वह धर्म ही है। जहां धर्म और सत्य है वहीं जय है, यतो धर्मस्ततो जय, ततो जय मुदीरयेत। कभी आप पराजित न हो सकें किसी से भी, अपने अज्ञान से भी। कभी कभी व्यक्ति दूसरों को तो पराभूत करता है पर स्वयं के अज्ञान से वह पराजित हो जाता है, अपनी भावनाओं में, कामनाओं में, ऐशोना स्पृहाओं में, लालसाओं में, अपनी दुर्बलताओं के कारण, मानसिक दुर्बलता के कारण, चित्त की दुर्बलता के कारण। जिन्होंने इंद्रियों पर जय प्राप्त नहीं की है वे कभी कभी अपनी इंद्रियों के द्वारा ही हार जाते हैं। हमें निरंतर कई विषय अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों में भी कभी कभी हम इनकी प्राप्ति पूर्ति के लिए हम आकांक्षित रहते, अभीप्सित रहते हैं। भले ही हम सबसे जीत जाएं पर कभी अपने मन से हार जाते हैं। तो जो मनोजयी हैं वही लोग शासन कर पाते हैं, वही लोक प्रिय बन पाते हैं। लोक विश्रुत, इहलोक और परलोक में उन्हीं की चर्चाएं, गाथाएं, कथाएं हैं। जो मनोजयी हैं, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही हमारे बंधन का कारण है, दुख का कारण है। मन ही हमारे उत्कर्ष, उन्नयन, प्रगति, उत्थान और जय का कारण है, मुक्ति का भी। तो जिनके पास धर्म है, जिनके पास सत्य है, उन्हीं के पास विजय है। सत्यमेव जयते, अथवा या तो धर्मस्ततो जय।
ततो जय मुदीर एत। इसे सहेज के रखें हम धर्म च्युत न हो जाए, गिर न जाए, पतित न हो जाए, हमें उत्थान रहे निरंतर, और हमारी मन कामनाएं ऐशनाएं हमारे भीतर की लालसाएं स्प्रहाएं आकांक्षाएं हमें पतन की ओर लेकर जाती हैं। इसलिए जो उत्थान का मार्ग है वो कठिन है, पतन सहज है, क्योंकि पतन का अर्थ है विषयोन्मुख होना, विषयानुरागी बनना, विषयासक्त होना। संसार के सभी जो विषय हैं उनमें हम सुख का आभास कर रहे हैं, इसलिए उनकी ओर आकर्षित हैं। वही हमें निरंतर चैतन्य रहते हैं, इसलिए ध्यान की अवस्था में भी विषय ही हमारे आसपास रहते हैं, निद्रा में भी एकांत में भी। हम किसी भी अवस्था में हैं तो विषयों में अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, शब्द में स्पर्श रूप रस गंध या तो कुछ सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, अथवा तो छूना चाहते हैं या कि सूंघना चाहते हैं या कि चखना चाहते हैं। मन इधर संलग्न है, मन या तो श्रवण में आ सकते हैं, कुछ अच्छा सुने, अपनी कीर्ति, अपना यशोगान, वरदावली, प्रशस्ति गायन, श्रेष्ठताओं का कोई बखान करे, अथवा तो हमारे रूप बल वीर्य पराक्रम हमारी कृति उपलब्धि ये चर्चित हो सर्वत्र, ये सुनना चाहता है मन, अपने रूप की प्रशंसा, अपने धन मान संग्रह सम्मान की प्रशंसा।